कर लिया, तो इतना होता है। ये लॉन्ग राइड मेरी अभी फर्स्ट टाइम है, फैमिली मेम्बर डरते हैं नो डाउट, बट मेरे को लगता है कि अगर हम पॉजिटिव रहें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। पहले जो सिटी है उसमें तो आपको स्पीड में कंट्रोल रखना ही चाहिए, क्योंकि आप भी सेफ रहो और जो अदर्स ड्राइव। मैक्सिमम स्पीड आपकी बुलेट पे क्या रही? मैक्सिमम इज 120, उसके आगे फिर बुलेट जो 350 मेट्रो मेरे पास है वो बहुत बड़ी बात है। हमारी जो बेटियां आपको देख रही हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं सभी फीमेल्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी करना है लाइफ में, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेके और करिए, और पॉजिटिव रह के करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी रहेंगे। बेटियों की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और हर जगह अपनी एक छाप बनाती जा रही हैं। इस समय मेरे साथ अंबिका सोनी जी मौजूद हैं जो कि जालंधर पंजाब से हैं और सोलो राइड कर रही हैं, वो भी बुलेट बाइक पे। और आपको बता दूं कश्मीर टू कन्याकुमारी ये जा रही हैं, इनसे जुड़ेंगे। सोनिका जी, पहले तो जम्मू में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। आपके बारे में जानना चाहेंगे, ये सोलो राइड के बारे में, अकेले कश्मीर टू कन्याकुमारी जा रहे हैं, किस तरह से सोचा और कब आपने ये सफ़र शुरू किया? जैसे मेरे को बाइक चलाते मतलब जितना भी टाइम हुआ है उसमें मैंने मेल राइडर्स को देखा है कि वो के टू के करते हैं, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो इन बिटवीन कई फीमेल से भी इंट्रोडक्शन हुई कि जिन्होंने किया है ऑलरेडी और उन्होंने कुछ टाइम लिमिट्स में किया है, कुछ डेज में किया है, तो मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को भी करना चाहिए। जी। फिर उसके अलावा मैंने थोड़ा सा अपनी फैमिली को मतलब कॉन्फिडेंस में लिया, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, कहीं भी अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं। तो मैं जिस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ उस ग्रुप में भी टॉक मोटो क्लब जालंधर से ग्रुप है जो कि मुझे आज तक राइड में बहुत ही सपोर्ट करता आया है, लोकल ग्रुप है हमारा वो, और उनमें भी कुछ ऐसे राइडर फ्रेंड्स हैं कि जिन्होंने मेरे को इनकरेजमेंट किया। मतलब हम कुछ तभी कर पाते हैं अगर हमें कोई इनकरेज करता है, तो इसीलिए मैं आज इस एम को रख के और अभी जम्मू में हूँ, तो सुमित जी ने बहुत हेल्प की है कल से, तो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी राइड। आपसे जानना चाहेंगे आपकी एज कितनी है? माई एज इज़ 45। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा एक बेटा है, हस्बैंड है और मॉम है। तो वो नहीं डरती आपको अकेले? देखिए सोलो का मतलब तो अकेला आ गया, ये राइड आपने अकेले करनी है, तो कभी बोर नहीं होते इतना लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, या फिर इससे पहले भी कभी इतनी लंबी राइड आपने की है? नहीं, इतनी लंबी राइड नहीं की है, मतलब वन डे राइड होती है, जैसे 500 किलोमीटर्स हो गया वन डे में, या 300 किलोमीटर्स हो गया वन डे में, देन अदर डे वापस आ गए हम यहाँ लोकल एक्सप्लोर कर लिया, तो इतना होता है। ये लॉन्ग राइड मेरी अभी फर्स्ट टाइम है, फैमिली मेम्बर डरते हैं नो डाउट, बट मेरे को लगता है कि अगर हम पॉजिटिव रहें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो मतलब जैसे आजकल फीमेल्स हर एक फील्ड में काफ़ी आगे हैं, तो इस फील्ड में भी आना चाहिए। आपको सभी अच्छा प्यार देते हैं, अगर आप अच्छे हो तो सभी अच्छा देते हैं प्यार, तो इसलिए बुलेट बाइक की ड्राइव जो है इसे शान माना जाता है। कब से बुलेट को ड्राइव कर रही हैं? एक्चुअली पापा बुलेट ड्राइव करते होते थे पहले, तो उन्होंने जब बुलेट राइड करनी तो बड़ा अच्छा लगता था, ब्रदर भी करता था, तो वो एक माइंडसेट था, मतलब गाड़ी या फिर स्कूटर एक्टिवा तो हम स्कूल टाइम से चलाते ही हैं, बट एक शौक था मन में, जो कि बाद में लेटर ऑन आफ्टर मैरिज जब मैं फ्री हो गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो यू नो फीमेल्स को कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो अभी फ्री थी बिल्कुल, तो फिर मैंने सोचा कि इसको शौक को पूरा किया जाए। बिना फैमिली की सपोर्ट के तो ये मुमकिन नहीं है? पॉसिबल नहीं है, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, इवन मेरे नाम पे खुद मेरे को बाइक लेके दिया उन्होंने, मेरा लास्ट ईयर बर्थडे था तो उन्होंने गिफ्ट किया था मेरे को, तो अच्छा लगा था, तो अभी वही चल रहा है।
तो आप कुछ बता रहे थे कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आपने एप्लीकेशन? हाँ जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें अगर सक्सेसफुली सब कुछ होता है तो मैंने अप्लाई किया हुआ है। उसमें उनके जो नॉर्म्स हैं वो मैं ट्राई करूँगी कि मैं फुलफ़िल कर पाऊँ, कि हर एक डेस्टिनेशन पे कहाँ पे मैं रुकती हूँ, जो मैं अपना मोटिव साथ में लेके चल रही हूँ वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव का, वो भी होपफुली सब ठीक रहे। तो होपफुली सब कुछ, मेरे को लगता है कि रिकॉर्ड को मैं कर पाऊँगी। आपने अपना सफ़र शुरू कर दिया, कश्मीर से जम्मू तक पहुंच चुके हैं, तो इस सफ़र की बात करें तो कोई परेशानी रास्ते में आई हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। मैं जलंधर से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुंची, फिर सुमित जी मिले। कुछ एक दो कमियाँ थी, इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने मेरे को गाइड किया कि ये चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए, ये छोड़ दीजिए, तो उससे काफ़ी हेल्प रहती है। अभी ऑन द वे भी इन्होंने काफ़ी कम्युनिकेशन की है जो राइडर फ्रेंड्स हैं, कि कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, फीमेल्स के लिए कौन सा रास्ता सेफ रहेगा, या किस टाइम पे राइड करनी चाहिए, या किस एरिया में कौन सा टाइम ठीक है, तो वो राइडर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कश्मीर से कब निकले थे? कल आफ्टरनून में हम लोग निकले थे। और आज सुबह यहाँ? हाँ जी, नहीं, हमने नाइट स्टे जम्मू ही कर लिया था, वापस आ गए थे। और अब यहाँ से आगे का सफ़र कब शुरू होगा? बस अभी मैं आपकी वेट कर रही थी, निकलने वाली हूँ, आपने आना था इसलिए थोड़ा लेट हो गए। अभी मैं लुधियाना जाके स्टे करूँगी, फिर लुधियाना से कल मॉर्निंग फिर स्टार्ट करूँगी दिल्ली से ऑनवर्ड। एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब बुलेट आपके नीचे होता है तो एक स्पीड भी मैटर करती है, तो किस स्पीड पे आप सफ़र तय करते हैं? कोई पर्टिकुलर फिक्स स्पीड होती है कि इतनी स्पीड के बीच में ही चलना, इससे ऊपर नहीं चलना? देखिए, ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करने ही चाहिए, कि स्पीड लिमिट जहाँ पे लिखी गई है उसी को फॉलो करना चाहिए। बट हाईवे पे आप 100 प्लस पे चले जाते हो, बिकॉज बुलेट ऐसा है व्हीकल की आपको वो काफ़ी देता है, तो इसलिए पहले जो सिटी है उसमें तो आपको स्पीड में कंट्रोल रखना ही चाहिए, क्योंकि आप भी सेफ रहो और जो अदर्स ड्राइव। मैक्सिमम स्पीड आपकी बुलेट पे क्या रही? मैक्सिमम इज़ 120, उसके आगे फिर बुलेट जो 350 मेट्योर मेरे पास है वो। बहुत बड़ी बात है मैम, आप बीइंग अ फीमेल इतनी स्पीड भी रखते हो। हमारी जो बेटियां आपको देख रही हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं सभी फीमेल्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी करना है लाइफ में, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेके और करिए, और पॉजिटिव रह के करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी रहेंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर आपको कोई फॉलो करना चाहे या फिर आपके बारे में जानकारी चाहे, तो कहाँ पे जाके आपके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी 2 साल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी, फेसबुक पे आईडी है अंबिका सोनिया के नाम पे, यूट्यूब पे मैंने अभी कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ फैमिली के फोटोज़ हैं, और आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे भी ज़रूर डालूंगी। वैक्सीनेशन को लेके आप मैसेज देते हुए जा रहे हो, क्या कुछ कहेंगे वैक्सीनेशन के? वैक्सीनेशन का ऐसे है कि जैसे हमने 2019 में एक बहुत ही बुरे समय को देखा है, कि हम लोग घर पे ही ब्लॉक हो गए थे, कर्फ्यू लग गए थे, हम इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं देख पा रहे, तो बहुत बुरा समय निकाला है हमने। और अगर हम आज बाहर हैं और सब कुछ वैसा ही वापस आ गया है, तो सिर्फ एक वैक्सीनेशन की तरफ से ही आया है, वो एक हमें संजीवनी की तरह मिली है। और हमें चाहिए कि जो भी आज नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवानी या कुछ ऐसे वैसे, तो सभी को मोटिवेट करना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आई थिंक कि मैं जहाँ पे भी रुकूँगी इस मैसेज को कन्वे करके जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा किसी ना किसी को। तो अंबिका सोनी जी इस समय कासिम नगर से अपनी ड्राइव शुरू करेंगी, और रास्ते में अगर आपको ये मिलती हैं तो इनको सल्यूट ज़रूर कीजिएगा, इन्हें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में इनके लिए कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि देश की बेटी देश का नाम रोशन कर रही है, और जिस तरह से कश्मीर टू कन्याकुमारी की ये ड्राइव कर रही हैं तो सल्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये सोलो ड्राइव है, यानी कि अकेले सफ़र करेंगे वो भी बुलेट बाइक पे। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए।